अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार शाम को बादल फटने से करीब 65 लोग घायल हो गए हैं। सेना ने शनिवार को बादल फटने में 15 लोगों के हताहत होने की पुष्टि की है। इसी बीच अधिकारियों ने यात्रा को बालटाल दोनों आधार शिविरों से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। NDRF, SDRF, BSF, सेना और ITBP की टीम ने शनिवार को सुबह बचाव अभियान शुरू किया। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि एक और बादल बालटाल पवित्र गुफा मार्ग की ओर बढ़ रहा है, जिससे हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुर्भाग्य से राजस्थान के बीकानेर के एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी सुशील खत्री, जिन्होंने बादल फटने से कई लोगों की जान बचाई थी, अचानक आई तेज बहाव में बह गए।